जी नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर अध्यक्ष ने पेंशन स्कीम कर्मचारी गुमराह करने वाली बात कह रहे थे, कुछ कर्मचारी को गुमराह किया जा रहा है, क्या पूरा मामला उसे बताइए। देखिए, कुछ लोग अभी भी शायद ये मानने को तैयार नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल हुई है। खास करके वही लोग हैं जो पहले से ही खुद तो पुरानी पेंशन में थे, लेकिन नई पेंशन में आने वाले जो समय के कर्मचारी थे उनको गुमराह करने की कोशिश करते थे, और अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो पेंशन है ये अब दे तो दी, अधिसूचना तो हो गई है, लेकिन शायद सरकार जो इसको नहीं दे पाएगी। तो मेरा उनसे ही निवेदन है कि इस तरह का गुमराह करने की कोशिश ना करें। जब सरकार ने अगर कोई फैसला लिया तो अब सरकार जो है पेंशन भी देने जा रही है, हमें पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश के हर एक कर्मचारी को पेंशन मिलेगी। जीपीएफ को लेकर भी अकाउंट्स के लिए, देखिए जीपीएफ के अकाउंट जो है बिल्कुल अब उसके लिए कर्मचारियों ने अप्लाई करना शुरू किया है, बहुत जल्द अकाउंट भी खुल जाएंगे। एजी में भी सरकार की जो है वो लेटर पत्र पहुंच चुका है, अब ये अकाउंट भी बहुत जल्द खुलना शुरू हो जाएंगे। हिमाचल मॉडल की एक बात की गई है, आपको कैसा कर्मचारियों को लग रहा है हिमाचल मॉडल पुरानी पेंशन के जो थी हमारी वो स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से, या फिर जो हिमाचल मॉडल को ये कह रहे हैं उसको इससे सेटिस्फाइड है? देखिए, हिमाचल मॉडल जो है वो क्योंकि एक पूरे देश में एक बहुत शानदार मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही पेंशन बहाल कर दी गई है जो पेंशन जो है 2003 से पहले के कर्मचारियों को दी गई थी, और उसी पेंशन को जो है यहाँ अडॉप्ट किया गया, जिसके लिए हम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुखविंदर का धन्यवाद करते हैं।